मैं भावना सोनी, आप देख रहे हैं आवाज डेली एची टीवी। अभी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। हजारीबाग पूर्वी मंडल से नव मनोनीत मंडल अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद कुशवाहा ने सदर विधायक मनीष जायसवाल से शिष्टाचार मुलाकात की। विधायक जायसवाल ने उन्हें बुके भेंट कर मिठाई खिलाकर स्वागत किया और बधाइयां दी। भाजपा के हजारीबाग सदर पूर्वी मंडल से नवमनोनीत मंडल अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद कुशवाहा ने मंगलवार को सदर विधायक कार्यालय पहुंचकर सदर विधायक मनीष जायसवाल से शिष्टाचार मुलाकात की। विधायक जायसवाल ने उनको बुके भेंट कर मिठाई खिलाकर स्वागत किया और बधाइयां भी दी। उम्मीद जताते हुए उन्होंने कहा कि रामचंद्र के नेतृत्व में सदर पूर्वी क्षेत्र में भाजपा और सशक्त होगी एवं जनहित के कार्यों में भी तेजी आएगी। मौके पर नवमनोनीत भाजपा सदर पूर्वी मंडल अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद कुशवाहा के साथ विशेष रूप से वरिष्ठ भाजपा नेता सह सदर प्रखंड के पूर्व 20 सूत्री अध्यक्ष अनेश्वर प्रसाद, सदर विधायक प्रतिनिधि विजय कुमार, दारू विधायक प्रतिनिधि बालदेव बाबू, सामेंद्र सिन्हा, रोहित कुशवाहा, प्रशांत सिन्हा, अनिल पांडे, संतोष सिन्हा, उमेश मेहता, मनोज राय, श्यामलाल महतो, राजकुमार महतो, मनोज कुमार, बजरंगी मेहता, उमेश मेहता, प्रदीप तिवारी, यमुना यादव, रंजन राणा, विनोद प्रसाद, राजू सहित अन्य भाजपा कार्यकर्तागण मौजूद रहे। सदर विधायक मनीष जायसवाल ने मौसम के बदले मिजाज एवं कनकनी के बीच अपने विधानसभा क्षेत्र के कटकमडाग प्रखंड के लोगों का हाल जानने ग्राम पंचायत अडरा पहुंचे। विधायक जायसवाल ने यहां अडरा पंचायत सभागार में गरीब, लाचार, दिव्यांग एवं जरूरतमंद वृद्धजनों के बीच कटकमडाग प्रखंड सह अंचल कार्यालय द्वारा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा झारखण्ड सरकार द्वारा कराया गया। सदर विधायक मनीष जायसवाल ने मंगलवार को मौसम के बदलते मिजाज एवं बढ़ती कनकनी के बीच अपने विधानसभा क्षेत्र के कटकमडाग प्रखंड के लोगों का हाल जानने ग्राम पंचायत अडरा पहुंचे। विधायक जायसवाल ने यहां अडरा पंचायत सभागार के गरीब, लाचार, दिव्यांग एवं जरूरतमंद वृद्ध जनों के बीच कटकमडाग प्रखंड सहअंचल कार्यालय द्वारा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 60 कम्बलों का वितरण प्रखंड प्रशासन की ओर से आयोजित कंबल वितरण शिविर में अपने हाथों से किया। कंबल वितरण के बाद ग्रामीणों के आग्रह पर विधायक जायसवाल ने अडरा ग्राम स्थित शिव मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का जायजा लिया और अपने स्तर से इसके सौंदर्यकरण के लिए टाइल्स उपलब्ध कराने की भी बात कही। मौके पर विधायक जायसवाल ने कहा कि पिछले 3 वर्षों की तुलना में वर्तमान वर्ष झारखण्ड सरकार द्वारा वितरित किए जा रहे कंबल की क्वालिटी और क्वांटिटी में भारी गिरावट आई है। हमारी पार्टी की सरकार में जहां ठंड शुरू होने से पूर्व कंबलों का वितरण जरूरतमंदों के बीच किया जाता था, वहीं वर्तमान सरकार में ठंड चरम पर होने के बाद भी इसके वितरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में कटकमडाग प्रखंड के लिए झारक्राफ्ट द्वारा निर्मित गुणवत्तापूर्ण करीब 3000 कंबल आवंटित होता था, लेकिन वर्तमान वर्ष कटकमडाग प्रखंड के लिए महज 1700 कंबल ही आवंटित किए गए हैं। विधायक जायसवाल ने वर्तमान झारखंड सरकार से यह अपील की है कि गरीब, गुरबों और जरूरतमंदों के बीच ठंड से राहत दिलाने हेतु उनके बीच बांटे जाने वाले कंबलों की संख्या में कमी ना करें और इसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दें। इस साल भी कंबल वितरण जो दिव्यांग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए सरकार के माध्यम से किया जाता है और इस साल भी ये किया जा रहा है। जमशेदपुर के कोवाली थाना क्षेत्र के रसून चौपा पालीडी सड़क किनारे जो गांव बसे हैं, उनके भूमि का अधिग्रहण रोड चौड़ीकरण के तहत होना है, जिसको लेकर 4 मौजा के ग्रामीण ने नाराजगी जताई है। इनका कहना है कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। जमशेदपुर जिले के कोवाली थाना क्षेत्र के रसून चौपा पालीडी सड़क किनारे जो गाँव बसे हैं, उनके भूमि का अधिग्रहण रोड चौड़ीकरण के तहत होना है, जिसको लेकर 4 मौजा के ग्रामीणों के नाराजगी जताई है। इन्होंने कहा है कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। आपको बता दें कि हाथा उड़ीसा मार्ग के रसून चौपा पालीडी मेन रोड पर जो NH 220 का चौड़ीकरण किया जा रहा है, चौड़ीकरण में कई किसानों, मजदूरों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है। इनका कहना है कि जमीन का उचित मुआवजा मिलना चाहिए, रायतदार को ही सरकार द्वारा नोटिस दी जानी चाहिए, सही तरीके से जमीन का मूल्यांकन होना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर सभी रैयतदारों ने आज के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक बैठक आयोजित की थी। अनदा चौक में बन रहे डायवर्सन के कारण सड़क की चौड़ाई छोटी होने के चलते आए दिन जाम लग रही है तथा कोई ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर आम आदमी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल में भी हजारीबाग शहर के लोगों को जाम जैसी समस्याओं से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित मेन रोड, GGS मार्ग, बंशीलाल चौक जैसे मार्ग हैं,
दिन में जीजीएस मार्ग के अन्नदा चौक में जाम की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस चौराहे के जाम होने से डॉक्टर बी के मिश्रा मार्ग और बुढ़वा महादेव रोड भी दूर तक जाम हो जाता है। वैसे भी कोई चौराहा अधिक देर जाम होते ही पूरा शहर अस्त व्यस्त होने लगता है। जाम की वजह से वाहन को जहां तहां पार्क करने के साथ साथ ट्रैफिक नियमों को भी नहीं माना जाता है। एसएल गुप्ता मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित टेनिस प्रतियोगिता का समापन आज हुआ। इस प्रतियोगिता के समापन के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राकेश गुप्ता शामिल हुए। एसएल गुप्ता मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित टेनिस प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता के समापन के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राकेश गुप्ता शामिल हुए। इस टेनिस प्रतियोगिता में कुल 22 प्रतिभागी ने भाग लिया। काफी जद्दोजहद एवं संघर्षपूर्ण मुकाबले देखने को मिले। सभी टीमों ने अपने कलात्मक अभिव्यक्ति का जोरदार प्रदर्शन किया। दो भागों में इस प्रतियोगिता को खेला गया। जूनियर टीम में फाइनल मुकाबला अरुष राय एवं अमन कुमार के बीच खेला गया, जिसमें विजय अरुष राय हुए। सीनियर टीम में फाइनल मुकाबला सुदीप्तो राय एवं हाजमा काजमी के बीच खेला गया, जिसमें विजय सुदीप्तो राय। गौरव की बात है, यह दोनों ही विजेता एक ही घर के पिता पुत्र ने यह खिताब अपने नाम किया है। संपूर्ण प्रतियोगिता के संचालन एवं अगुवाई कोच मोहम्मद रफीक ने की। मौके पर राकेश गुप्ता ने कहा, मेरे ट्रस्ट के द्वारा आयोजित टेनिस प्रतियोगिता को सीनियर एवं जूनियर भागों में खेला गया, जिसमें सीनियर में विजय सुदीप्तो राय हुए एवं जूनियर में विजय अरुष राय हुए। दोनों के बीच पिता पुत्र का रिश्ता है। उन्होंने कहा, दोनों ही इस प्रतियोगिता में टेनिस के प्रति अद्भुत रुचि एवं कलात्मक अभिव्यक्ति का निरूपण किया है, साथ ही दोनों की उज्जवल भविष्य की कामना भी की। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। HSH Financial Service Private Limited and Egma Engineering presents Commercial Shop and Residential Flats. 3BHK flats available in affordable prices. Outside location in Bengali Colony and Bansilal Chowk. So, aaj hi sampark kare. Hamara pata hai Magaitri Complex, Nawabganj, Hazaribagh. Phone number 9572196587 ya 9142022039। अभी बुकिंग करने पर आपको मिलेगा तनिष्क का 5 ग्राम वाला गोल्ड कॉइन। तो पता याद रखे, माँ गायत्री कॉम्प्लेक्स, नवाबगंज, हजारीबाग। आशा अपार्टमेंट, अ यूनिट ऑफ बालप्राडा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। हमारे पास 2BHK और 3BHK फ्लैट्स अवेलेबल है। बुकिंग ओपन फॉर लिमिटेड फ्लैट्स ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिक। हमारा पता है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कानी बाजार, हजारीबाग। अभी कॉल करें 9431334977 या फिर 6201641488। हमीदा नर्सिंग होम पसई सिमरिया रोड, हजारीबाग। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत लाल पीला हरा राशन कार्ड धारी का मुफ्त इलाज किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित मूल्य पर विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ पैथोलॉजिकल एवं एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध है। तो पता याद रखे, हमीदा नर्सिंग होम असई सिमरिया रोड, हजारीबाग। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9835747753 या फिर 9576146220। शुद्धता की गारंटी हमारी पहचान। आधुनिक और विविध आकर्षक डिजाइनों वाले स्वर्ण आभूषण प्रतिष्ठान के रूप में है पहचान। तो आज ही आए जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग, जहां आप पाएंगे 100% मूल्य पुराने गोल्ड ज्वेलरी के एक्सचेंज पर और 30% डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर छूट। तो पता याद रखे, जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग। लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल चौपारण, जहां उपलब्ध है आंखों की जांच के अत्याधुनिक उपकरण और 24 घंटे चिकित्सकों की व्यवस्था। आंखों की हर तरह की परेशानी से जहां मिल सकता है निजात, झारखंड बिहार का इकलौता आधुनिक आई केयर सेंटर। तो आज ही संपर्क करें या पहुंचे नव भारत जागृति केंद्र द्वारा संचालित बेहरा चौपारण का यह अस्पताल, लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल चौपारण। यदि
यदि आप अपना घर बनाना चाहते हैं या फिर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आपको देगा आसान शर्तों और अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। सबसे बड़ा आकर्षण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.67 लाख सब्सिडी की भी सुविधा। ना प्रोसेस में कोई परेशानी और ना इंतजार करने का झंझट। तो आज ही संपर्क करें हर्षित इंटरप्राइजेज, गायत्री कॉम्प्लेक्स, फ्लैट नंबर 102, फर्स्ट फ्लोर, नवाबगंज, हजारीबाग। संपर्क करें 9572196587 या 8709524015। हमारा लैंडलाइन नंबर है 06546029601 या फिर टोल फ्री नंबर 01142925 01। यदि आपको सुनने या बोलने में किसी तरह की तकलीफ हो, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, इसके लिए आए हजारीबाग शहर के अनादा चौक स्थित टाउन हॉल के अपोजिट। तो हमारा पता याद रखिए, KP कॉम्प्लेक्स, रुद्र स्पीच एंड हियरिंग सेंटर। तो आज ही संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर है 9955655365 या फिर 9771850066। हमारे पास सुनने की सभी प्रकार की जांच उपलब्ध है, साथ ही हमारे पास सभी प्रकार की डिजिटल मशीन उपलब्ध है जो कि कान के पीछे एवं कान के अंदर लगाई जा सकती है। महर्षि मेही केक कॉर्नर, स्वादिष्ट वेज केक बिल्कुल फ्रेशली बेक, चॉकलेट, पाइनएप्पल, बटरस्कॉच, वेनिला, सभी फ्लेवर्स और हर प्रकार के केक्स सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ। अभी आए या ऑर्डर करें महर्षि मेही केक कॉर्नर से, SS कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, पेगोडा चौक, हजारीबाग, या कॉल करें 800-250-8790 या फिर 7870-202420। तो पता याद रखें, SS कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, पेगोडा चौक, हजारीबाग। हजारीबाग के लिए एक और बड़ी उपलब्धि, सब लोग द डॉल्फिनोज रिसोर्ट, देवी मंडप रोड, हजारीबाग। बस एक माह का और इंतजार, 11 नवंबर को भूमि पूजा और 1 दिसंबर से शुभारंभ, जहां पे ठहरने की उत्तम सुविधा, शादी घर, बारबेक्यू रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम समेत सारी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पीपरवार नक्सली संगठन TSPC के द्वारा जारी फरमान के बाद दूसरे दिन भी कोयलांचल बंद रहा। TSPC के उग्रवादी ने क्षेत्र में पोस्टर साट कर 13 से 16 दिसंबर तक कोयलांचल में 4 दिनों के बंद का फरमान जारी किया है, जिसके बाद से कोयला खदानों में आउटसोर्सिंग का काम बंद रहा, वहीं कोयला ढुलाई, कोयला डिस्पैच भी पूरी तरह से ठप रहा है। पिपरवार नक्सली संगठन TSPC द्वारा जारी फरमान के बाद दूसरे दिन भी कोयलांचल बंद रहा। TSPC के उग्रवादियों ने क्षेत्र में पोस्टर साट कर 13 से 16 दिसंबर तक कोयलांचल में 4 दिनों के बंद का फरमान जारी किया, जिसके बाद से कोयला खदानों में आउटसोर्सिंग का काम भी बंद है, वहीं कोयला ढुलाई, कोयला डिस्पैच भी पूरी तरह से ठप है। CCL के पेपरवार NK मगध और आम्रपाली में बंद का प्रभाव ज्यादा देखा जा रहा है। वहीं CCL प्रबंधन और प्रशासन कोयला खदान दे सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर कामकाज चालू कराने का प्रयास कर रहे हैं। टंडवा SDPO विकास पांडे, पिपरवार GM अजय सिंह, थाना प्रभारी नितेश दुबे सहित CISF के अधिकारी खदान में कैंप किए हुए हैं। धनबाद हाई स्कूल प्रशिक्षित शिक्षक 2016 के अनुशंसित 17 शिक्षकों ने बहाली की मांग को लेकर जिले के कंबाइंड बिल्डिंग स्थित शिक्षा विभाग के कार्यालय के समीप एक दिवसीय धरना दिया। जल्द बहाली नहीं होने पर शिक्षकों ने पूरे परिवार समेत जिला मुख्यालय के समक्ष आत्मदाह की चेतावनी दे डाली। धनबाद हाई स्कूल प्रशिक्षित शिक्षक 2016 के अनुशंसित 17 शिक्षकों ने बहाली की मांग को लेकर जिले के कंबाइंड बिल्डिंग स्थित शिक्षा विभाग के कार्यालय के समीप एक दिवसीय धरना दिया। जल्द बहाली नहीं होने पर शिक्षकों ने पूरे परिवार समेत जिला मुख्यालय के समक्ष आत्मदाह की चेतावनी दी है। धरने पर बैठे शिक्षकों ने कहा कि हम सभी अनुशंसित शिक्षकों की अनुशंसा JSSC द्वारा जाँच उपरांत
जिला के लिए जून 2019 में विभिन्न विषयों के लिए अनुशंसित की गई थी। इसी विज्ञप्ति एवं योग्यता के अनुसार राज्य के अन्य 23 जिलों में नियुक्ति के साथ वेतन भुगतान भी किया जा रहा है, लेकिन धनबाद के पूर्व डीईओ अलका जायसवाल द्वारा दुर्भावनापूर्ण एवं जेएसएससी विज्ञप्ति के नियम के खिलाफ 19 जुलाई 2019 को होने वाली बहाली को 8 जुलाई 2019 को रोक लगा दी, जिस कारण सभी शिक्षक एवं सपरिवार जन आर्थिक शारीरिक एवं मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। करीब 1.5 वर्षों से सभी शिक्षक दर दर भटकने को मजबूर हैं। अनुशंसित शिक्षकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन हमारी बहाली नहीं करती है तो हम मुख्यालय के समक्ष पूरे परिवार समेत आत्मदाह कर लेंगे। कर्मचारी आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी हैं, धनबाद जिले के लिए अनुशंसित किया गया था। 19/7/2019 को हम लोग को अपॉइंटमेंट मिलने वाला था, इसके 2 दिन पहले हम लोग को नोटिस दे दिया गया 17 जन को कि आप लोग को मार्गदर्शन के लिए रोकी गई है। 1.5 वर्ष से अधिक समय बीता जा रहा है, फिर भी अभी तक हम लोग को नियुक्ति नहीं दिया गया। मार्गदर्शन का एक समय सीमा होता है, अभी हम लोग का कोई पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है, किस कारण से रोका गया है। बाकी 23 जिलों में इसी आधार पर, इसी विज्ञप्ति के आधार पर नियुक्ति दे दी गई है। उन लोग 1.5 साल से वेतन उठा रहे हैं। कितने लोगों को नियुक्ति दी है 23 जिलों में? 23 जिलों में 12,000-12,500 के लगभग है, धनबाद में 450 है, सिर्फ 17 को रोका गया है। सर, हम लोग जो ट्यूशन व्यूशन पढ़ाते थे वो सब भी छूट गया है, भूखे मरने की स्थिति में आ गए हैं 1.5 साल से। जो छोटा मोटा स्कूल था वो भी छोड़ दिए थे, हम लोग सोचे ज्वाइनिंग हो गया है इसी वजह से छोड़ दिए थे, अब हम लोग भूखे मरने के रास्ते पर आ गए हैं। अब हम लोग भूख हड़ताल के अलावा अगर भूख नहीं हुआ हम लोग का नियुक्ति तो आगे का कार्यक्रम, आज ये सांकेतिक धरना था, आगे है हम लोग का प्रोग्राम भूख हड़ताल का है, उसके बाद अंतिम विकल्प हम लोग पास और कोई नहीं बचता है, पूरे परिवार के साथ हम लोग जिला मुख्यालय में आत्मदाह करने के लिए हम लोग मजबूर। हजारीबाग इचाक प्रखंड के सिजुआ बिरहोर टंडा में बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव ने बिरहोरों के बीच कंबल का वितरण किया। कहा कि बिरहोर परिवार के प्रति सरकार हमेशा संवेदनशील रहती है, इसकी हर जरूरत को पूरा करना हम सभी का दायित्व है। इचाक प्रखंड के सिजुआ बिरहोर टांडा में बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव ने बिरहोरों के बीच कंबल का वितरण किया। कहा कि बिरहोर परिवार के प्रति सरकार हमेशा संवेदनशील रहती है, इनकी हर जरूरत को पूरा करना हम सभी का दायित्व है। विधायक यादव ने बिरहोरों से कहा कि आम लोगों को जो जरूरत हो सरकार हमेशा पूरा करेगी। इस दौरान बिरहोर टांडा में रह रहे 25 बिरहोरों को कंबल दिया गया। मौके पर प्रमुख सरिता देवी, विधायक प्रतिनिधि सच्चिदानंद अग्रवाल, बीडीओ रिंकू कुमारी, पूर्व 20 सूत्रीय अध्यक्ष गौतम नारायण सिंह, पंसद सिकंदर अंसारी, रंजीत मेहता, भाजपा के पश्चिमी मंडल अध्यक्ष सुभाष सोनी, झामुमो नेता मनोहर राम, मुखिया निर्मल कुमार, मुकेश उपाध्याय, हरिहर मेहता, विनय सिंह, महेश साव, नवलेश कुमार, विशिष्ट दास, मेघनाथ कुशवाहा, ब्रजेश सन्हा, पंचायत सेवक राजेश्वर कुमार, रोजगार सेवक चंदन कुमार, बीएफटी कैलाश राम समेत कई लोग उपस्थित रहे। इस बात पर मुखिया ने कहा कि हमें कोई सूचना नहीं दी गई है। स्थानीय मुखिया अंजना मेहता ने कहा कि बिरहोर टांडा हमारे पंचायत में है, बिरहोरों के बीच कंबल वितरण की वीडियो द्वारा हमें कोई सूचना नहीं है। इचाक से महेश मेहता की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे आवाज डेली HETV। धन्यवाद। एनी चिल्ड्रन क्लिनिक डॉक्टर अमन उर्वर, शुभम कॉम्प्लेक्स नियर मटवारी पेट्रोल पंप हजारीबाग। जी हाँ, हर माह की 29 तारीख को आएं और फ्री चेकअप का लाभ उठाएं। तो पता याद रखें, एनी चिल्ड्रन क्लिनिक डॉक्टर अमन उर्वर, शुभम कॉम्प्लेक्स नियर मटवारी पेट्रोल पंप हजारीबाग। अधिक जानकारी के लिए तुरंत कॉल करें 9430106113 या 8582888390। इंडो फार्म ट्रैक्टर मजबूती में बेजोड़ और चले सालों साल, तो आज ही संपर्क करें ऋषभ एंटरप्राइजेस हजारीबाग, बगोदर मार्ग 3 नंबर थाना के पास,
दिवाली पर खास ऑफर, एक ट्रैक्टर की खरीद पर पाए एक ट्रैक्टर डाला बिल्कुल मुफ्त, तो तुरंत आए ऋषभ इंटरप्राइजेस हजारीबाग बगोदर मार्ग 3 नंबर थाना के पास। कश्मीरी उलेन एवं कंबल घर, गुरु नानक मार्केट, मेन रोड, सदर हॉस्पिटल, हजारीबाग। हमारे यहाँ सभी प्रकार के गर्म कपड़े मिलते हैं, लेडीज स्वेटर, शॉल, स्टॉल, जैकेट, कार्डिगन, कुर्ती, जेंट्स स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी एवं बच्चों के लिए जैकेट, स्वेटर, गरम बाबा सूट एवं कंबल के विशेष रेंज उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ जयपुरी रजाई के हर डिजाइन उपलब्ध हैं, तो जल्द आए जल्द पाए, इस मौके का लाभ उठाएं। हमारा पता याद रखें, गुरु नानक मार्केट, मेन रोड, सदर हॉस्पिटल, हजारीबाग। मेहर मार्ट हजारीबाग में अफोर्डेबल प्राइस रेंज में ब्रांडेड आइटम्स उपलब्ध हैं। हमारे पास ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स भी उपलब्ध हैं। साथ ही हमारे वेबसाइट, ऐप या व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर करने पर फ्री होम डिलीवरी की भी सुविधा मौजूद है। वहीं हमारे यहाँ साल भर आकर्षक ऑफर्स मौजूद हैं। हमारा पता है मेहर मार्ट, बड़ा बाजार, हजारीबाग। पता एक बार फिर से, मेहर मार्ट, बड़ा बाजार, हजारीबाग। राज फर्नीचर, फर्स्ट एंड थर्ड ब्रांच बंसीलाल चौक, सेकेंड ब्रांच झिझरिया पुल, बोरा रोड, हजारीबाग। हमारे यहाँ सोफा, दीवान पलंग, डाइनिंग टेबल, वार्डरोब, झूला आदि उपलब्ध है। दिवाली के शुभ अवसर पर 30% डिस्काउंट के साथ, तो अभी संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9835584841। जमुना दास पेट्रोल पंप, थाना चौक, रामगढ़। यहाँ आपको मिलेगा बिना मिलावट का ईंधन, हर बार भरोसा, शुद्धता और सही माप का। वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, शौचालय, फ्री एयर, सभी तरह के इंजन ऑयल आदि सुविधाएं उपलब्ध है। जी हाँ, तो कहीं और क्यों जाएं? जमुना दास पेट्रोल पंप, थाना चौक, रामगढ़। प्योर फॉर श्योर, 75 सालों का भरोसा लोगों के बीच बरकरार, जमुना दास पेट्रोल सप्लाई कंपनी। तो पता याद रखें, थाना चौक, रामगढ़। महिलाओं की पहली पसंद, अभी अपनाएं रानी डिटर्जेंट।